हेलो फ्रेंड्स, मैं जहीर खान मुंबई से एलसीडी एलईडी टीवी ट्रेनर जेडम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको कॉम्बो बोर्ड का कंप्लीट वोल्टेज डिटेल दिखाऊंगा कि स्टैंड बाई में जो है आपको किन किन जगहों पे सप्लाई रहता है, किन किन रेगुलेटर्स पे वोल्टेज आते हैं और पावर ऑन होने के बाद से किस किस जगह पे आता है। तो आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा एलसीडी एलईडी टीवी ट्रेनिंग सेमिनार का फ़ोटो है। मेरा अलग अलग शहरों में सेमिनार चलते रहता है और अगर आप सब एलसीडी एलईडी टीवी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आने वाले समय में मेरा दो शहरों में ट्रेनिंग होने वाला है और ट्रेनिंग में आप सबको इसी तरह से जो है शामिल किया जाएगा। और ये हमारी ट्रेनिंग टीम है, ये ऑर्गेनाइज़र का फ़ोटो है, जितेंद्र जी का, प्रीतम जी का। और अभी रायपुर में मेरा ट्रेनिंग होने वाला है फरवरी में और शिरडी में भी होने वाला है। तो आप सब अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉम्बो बोर्ड है जो ज़्यादातर आपको 32 इंच सेट में जो है लगा हुआ मिलेगा और बोर्ड का नंबर आप देख रहे हैं। तो इसी बोर्ड का आज मैं आप सबको वोल्टेज डिटेल दूंगा कि कहाँ कहाँ पे जो है आपका सप्लाई स्टैंड बाई में रहता है और आपको कितने कितने सप्लाई आने चाहिए। जैसे कि आप 230 वोल्ट देंगे तो सबसे पहले तो आपका 12 वोल्ट बनेगा, 12 वोल्ट के बाद आपकी दूसरी सप्लाई जो है वो बैकलाइट के लिए बनेगी जो 18 वोल्ट है। ये डायोड है आपका बैकलाइट के लिए और ये मॉस्फेट है जहाँ से बूस्ट बनता है आपका। तो यहाँ पे भी आपका 18 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगा और ये आपका बैकलाइट कनेक्टर है तो इस पे भी आप देख सकते हैं 17.86, मतलब वही 18 वोल्ट सप्लाई अभी स्टैंड बाई मोड में मिल रहा है। तो सबसे पहले तो 12 वोल्ट जो बनता है उसी 12 से हमारा जो है 5 वोल्ट बनता है और 5 वोल्ट से जो है आपका उसके बाद से भी जो है लो सप्लाइयाँ बनेंगी, जैसे कि ये 1.2 वोल्ट और वही 5 वोल्ट जो है इसके रेगुलेटर आईसी को आया हुआ है, बक आईसी को, जहाँ से वो 5 वोल्ट से जो है 1.2 वोल्ट बना था, अभी वही 5 वोल्ट जो है आपका इस आईसी पे इनपुट हुआ है 1118 पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं उसका ये पिन डिटेल है। ये 8 पिन का रेगुलेटर आईसी है जिसमें 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। तो ये आपका 3.3 वोल्ट और यहाँ पे आपका इस समय सप्लाई नहीं मिल रहा है, ये आपका 1.8 रहता है। तो अगर आपका मेन आईसी सही है तो स्टैंड बाई में आपको 1118 पे जो है 1.8 वोल्ट स्टैंड बाई में नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट सप्लाई है, उसके बाद ग्राउंड है, फिर इनपुट सप्लाई आएगा, अभी ये इनपुट सप्लाई है जो ऑन होने के बाद आता है और ये ग्राउंड है, ये आपका 3.3 वोल्ट, यहाँ भी 3.3 वोल्ट मिलेगा, यहाँ आपको सप्लाई अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ये पावर ऑन का कमांड देने के बाद ही आएगा। फ्रेंड्स, आइए अब आपको इसके फ्लैश आईसी का डिटेल देता हूँ। मैं ये फ्लैश आईसी का नंबर दिखाने की कोशिश किया मैं, पर कलर मारा हुआ है तो इसका नंबर जो है नहीं दिखाई देगा आपका, जो मेन नंबर है। नंबर देखने के लिए आपको प्रोग्रामर से कनेक्ट करके जो है उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर का लगा है। तो पिन नंबर 1 का सप्लाई देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, जब सेट स्टैंड बाई मोड में रहता है तो पिन नंबर 1 का सप्लाई नहीं दिखाएगा।
पिन नंबर दो का जो है आपका 3.3 वोल्ट है, पिन नंबर तीन की सप्लाई जो है ये भी 3.3 वोल्ट है, पिन नंबर चार इसका जो है ग्राउंड है, इस पे कोई सप्लाई नहीं मिलेगा। पिन नंबर पाँच पे भी जो है आपको सप्लाई नहीं मिलेगा। पिन नंबर छः पे भी सप्लाई नहीं मिलेगा आपको। पिन नंबर सात पर आपको थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट मिलेगा। पिन नंबर आठ पर भी आपको 3.3 देखने को मिलेगा। तो ये है इसका स्टैंड बाई का वोल्टेज डिटेल। अब सेट को मैंने ऑन कर दिया है, तो ऑन करने के बाद आपको एक बार मैं दिखाता हूँ फिर से सप्लाई बोर्ड का नंबर आप याद रखें। तो यहाँ पे आप देखिए जो 3.3 वोल्ट था वो 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई में भी था और पावर ऑन में भी है। आपके इस पिन पे भी जो है 3.3 वोल्ट ही मिलेगा। दो पिन जो है 3.3 वोल्ट का रहता है और उसके बाद जो है आपका दो पिन 1.8 का रहता है जो स्टैंड बाई में नहीं आ रहा था। अभी देखिए पावर ऑन करने के बाद से 1.8 वोल्ट आ गया है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1.8 वोल्ट इन दोनों पिनों पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका मेन आईसी प्रॉपर काम कर रहा है तो 1.8 आपका स्टैंड बाई में नहीं मिलेगा और सेट ऑन करने के बाद ही 1.8 आएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। ये तो छोटा छोटा वीडियो क्लिप है, फुल डिटेल हम लोग ट्रेनिंग में ही देते हैं जहाँ पे आपको पूरी तरह से जो है वो समझाया जाता है और जब तक आपके दिमाग में ना आए उस बात को तब तक बार बार हम लोग समझाते हैं प्रैक्टिकल के साथ। अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।